हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आप लोगों की डिमांड से एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आ गए हैं। एंड ये बहुत 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 ही सारे कमेंट्स के बाद आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल में बहुत ही हाई एंड पीसी बिल्ड्स हो रहे थे गेमिंग के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए। तो हमने बहुत आप लोगों की डिमांड के लिए एंड सिर्फ आप लोगों के लिए एक बजट गेमिंग पीसी लेके आ गए हैं, जिसका टोटल कॉस्ट है 65,000 ओनली, एक्चुअली अंडर 65,000 थोड़ा सा। एंड विद मॉनिटर, वो भी 144 हर्ट्ज का मॉनिटर, 24 इंच 1080p के साथ 75,000 का पूरा सेटअप दिए हमने उसको विद फ्री कीबोर्ड माउस कॉम्बो। आप लोगों ने देखा होगा दूसरे चैनल्स पे आपको सेम कॉस्ट पे DDR4 बिल्ड्स मिल जाते हैं, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वो चलाते हैं, पुराने जनरेशन के प्रोसेसर मिल जाते हैं। बट हम आपके लिए लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर विद DDR5 बिल्ड लेके आ गए हैं एंड द लेटेस्ट जनरेशन ग्राफिक कार्ड एज वेल। सो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो, सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्या परफॉर्मेंस आ रही है वो भी बताऊंगा। तो पूरा चेक करो, आराम से देखो कॉस्ट क्या है, एंड अगर आपको भी चाहिए तो बिल्कुल मांग लो। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया, ये पीसी का यूज केस है मेजरली गेमिंग, और ये प्योरली बजट पे हमने गेमिंग पीसी बिल्ड बनाया है। एंड प्लीज नोट, इसमें एडिटिंग भी हो सकती है, बट इनका यूज केस बिल्कुल भी एडिटिंग या कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ प्योरली एंड प्योरली गेमिंग इनका यूज केस है। ही इज जस्ट अ किड हु जस्ट वांट्स टू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स एंड डू ट्रिपल टाइटल्स, वैलोरेंट वगैरह खेलनी है, तो उनको सबसे कम कॉस्ट में सबसे बेस्ट सेटअप चाहिए था, तो वो हमने उनको बना के दिया है। ठीक है, चलो अब बात करें सबसे पहले अपने प्रोसेसर की। प्रोसेसर हमने i5-12400F यूज किया है विद 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। इट इज स्टिल अ वेरी 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 गुड प्रोसेसर फॉर प्योरली फॉर गेमिंग, जहां पे आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है 1080p में, खासकर वैलोरेंट हो, आपका CS:GO हो, इवन कॉल ऑफ ड्यूटी हो, एंड अगर आपको ट्रिपल टाइटल में जाना है, विच इज लाइक आपका वुकोंग वगैरह, वैसे प्रोसेसर का बेस नहीं है वो, बट स्टिल वुकोंग वगैरह भी आपका अच्छे से हैंडल हो जाएगा। इंटेल की तरफ का 12th जनरेशन प्रोसेसर है, कॉस्ट इसका आई थिंक अंडर 10,000 है इस टाइम, तो इट इज अ वेरी गुड प्रोसेसर अंडर द बजट। आपको 10,000 से लेस में कोई प्रोसेसर में इन्वेस्ट करना है, i5-12400F इस टाइम बहुत अच्छे प्राइस पे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है। ग्राफिक कार्ड हमने 4060 यूज किया है यहाँ पे। यस गाइस, 4060 लेटेस्ट जनरेशन 4000 सीरीज विद DLSS 3.0, 8GB का ग्राफिक कार्ड है, एंड आपको सारी गेम्स 1080p में, सारी मतलब इवन वुकोंग भी आपको 1080p में बढ़िया तरीके से आपको खिला के दे देगा। बढ़िया डील, हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू स्विच ऑन द DLSS, रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन कर सकते हो, बट DLSS के बाद ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। बट येस, आपको मिल जाएगा, ये मेन पार्ट है कि आपको मिलना जरूरी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमको यहाँ पे। चाहे आप बजटेड बिल्ड में हो, विच इज लाइक 65,000 का बिल्ड में भी आपको वुकोंग वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से खेलने को मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, तो आपको भाई 65,000 के पीसी में भी DDR4 में जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए DDR5 का ही मदरबोर्ड लेके आए हैं, विच इज द गीगाबाइट D760M GAX Wi-Fi। एंड प्लीज नोट, हमने कुछ पुराने कमेंट्स में देखा था कि मैंने 60,000 में यार सेम पीसी बिल्ड बना दिया था, बट भाई 60,000 में मैंने ये भी देखा था कि आपका H610 मदरबोर्ड था। भाई H610 मदरबोर्ड रो देगा इस पीसी के साथ। भाई H610 मदरबोर्ड i3 वगैरह के लिए चलता होगा, एंड वो भी सिर्फ ऑफिस वर्क, डे टू डे काम के लिए, गेमिंग वगैरह में नहीं चलता भाई, वो रो देगा। VRM इतने अच्छे नहीं होते उसके। सो प्लीज नोट, लोकल वेंडर्स आपको पागल बनाएंगे कि भाई 60,000 में मेरे से X610 ले लो, बड़े चल जाएगा सब। भाई चलने को तो सब कुछ चलता है, बट एक्चुअली जब परफॉर्मेंस निकलने को आती है, जब भी प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड हीट होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, तब वो बिल्कुल मर जाएगा। ठीक है, तो डोंट लेट लोकल वेंडर्स मैनिपुलेट यू वेरी इजीली। तो B760 में ट्राई करो, B760 में जाओ, चाहे DDR4 DDR5 व्हाटएवर, बट हमने आपको 65,000 में DDR5 का ही बिल्ड लेके दिया है। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, DDR5 मदरबोर्ड है। इमेजिन इतने बजट में हमने वाईफाई, ब्लूटूथ, DDR5 ऑलरेडी मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड दिया है आपको। ठीक है, तो गाइस रैम की बात करें, रैम हमने यहाँ पे 16GB का ही यूज किया है, DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रॉम कॉर्सेर वेंजेंस LPX। इट इज अ नॉन RGB रैम, बट बिकॉज हमें DDR5 में जाना था, तो 16GB का सिंगल स्टिक ही नॉर्मल में आता है। बट यू ऑल नो डुअल चैनल इज ऑलवेज बेटर फॉर गेमिंग, एंड हम डुअल चैनल करने के लिए हमें 32GB जाना पड़ता है, तो विच मीन्स कि हमें बजट काफ़ी इंक्रीज करना पड़ता है। ऑलमोस्ट रैम का कॉस्ट 4,500 to 5,000 के आसपास है, विच आई फेल्ट अभी करने की जरूरत नहीं है, बट येस यू कैन इन्वेस्टमेंट इन इट। तो जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी चीज़ें बहुत है पीसी के अंदर, बट एक थोड़ा सा ये भी है कि डुअल चैनल रैम आपकी हो नहीं सकती है अभी फॉर नाउ, बट येस यू कैन इन्वेस्ट इन लेटर ऑन इन द नेक्स्ट 3-4 months, जब भी आपका बजट आता है यार 5,000 आई कैन इन्वेस्ट ऑन इट, यू कैन इन्वेस्ट अ रैम ऑन इट, देर इज एक्स्ट्रा रैम स्लॉट इन द पीसी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्टोरेज की। स्टोरेज हमने 500GB क्रूशल का यूज किया है, P3+।
यहाँ पे 500 GB का NVMe है, बट एक और स्लॉट है तो आप उसमें इंक्रीज कर सकते हो अगेन बाद में। गेमिंग के स्टार्ट करने के लिए 500 GB इनफ है, मतलब यू कैन स्टार्ट गेमिंग, यू कैन स्टार्ट गेम्स वगैरह कर सकते हो, एंड बाद में इंक्रीज करना तो वो भी कर सकते हो, हार्ड डिस्क भी ऐड कर सकते हो बाद में, अप टू यू, अप टू योर बजट, बट फॉर नाउ दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पावर सप्लाई की, 650 का पावर सप्लाई यूज़ किया है। यस, मुझे बहुत कमेंट आने वाले हैं अब, आई नो कि 550 में यूज़ कर लो, आराम से काम हो जाएगा, बट भाई आप ये देखो कि 500-600 रुपये के डिफरेंस के लिए मैं एक 65,000 का पीसी 64,500 में बेच के क्या करूँगा भाई। 65,000 का पीसी है, आपको 650 रख लो, आगे जाके कभी आपको 14,500 में जाना पड़े एडिटिंग करने का मन करे, 14,500 या 15 जनरेशन आ जाएगा तो 15,500 आ जाएगा, जो भी है मे बी 4060 में कभी आपको इन्वेस्ट करना का मन कर जाए तो उसके लिए 650 वॉट सिर्फ विद डिफरेंस ऑफ 600-700 रुपये, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट टू गो विद 550। यस, 500-600 रुपये बचेंगे, बट जब आप 65,000 खर्च कर रहे हो यार, 65,500 भी खर्च कर सकते हो, आई नो यू गाइस कैन डू इट, बट स्टिल हम वो एनिमी आपको दे देते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया भाई, 65,000 का बिल्ड है, समझ गया, बजटेड है, बट फिर भी हम लोग अपने कैबिनेट में एसेटिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको मैंने 4 ARGB फैंस वाला कैबिनेट दिखाया, विच इज़ द एंड ई-स्पोर्ट्स 211 एयर, 4 ARGB फैंस हैं इसके अंदर, एंड बढ़िया 3 USB पोर्ट्स हैं इसके अंदर, क्या चीज़ चालू कर दूँगा, सॉरी माइक, एंड 3 USB पोर्ट्स हैं इसके अंदर, एंड बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई, आराम से इसको कंट्रोल करो RGB को, कोई आपको सिंगल कलर लगाना है, RGB लगाना है, जो भी करना है पैटर्न वाइज, ये नहीं है कि भाई आपको बजट बिल्ड ले रहे हो तो यार नॉन RGB केस मिलेगा या आपको कंट्रोल नहीं कर सकते RGB, ये वाला कोई केस नहीं है, पूरा कंट्रोलेबल RGB है, तो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एज वेल। बाकी यार इसमें केबल मैनेजमेंट वगैरह भी हमने परफेक्टली करके दिए। यस, यहाँ पे हमने कूलर यूज नहीं किया है, बिकॉज आप लोगों को पता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको अभी कूलर की जरूरत नहीं पड़ सकती, बिकॉज यार थोड़ा ठंडा हो जाएगा दिल्ली में, तो देर इज नॉट, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 6 महीने बाद इवेंचुअली आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन एयर कूलर, वैसे तो अभी भी कर सकते हो, अगर आपको यही पीसी में एयर कूलर चाहिए, यू कैन इन्वेस्ट अबाउट 1500 रुपये तक का एयर कूलर आता है डिसेंट, जो आपका काम कर जाएगा, बट अगर आपको अभी यूज नहीं करना, यू कैन स्टिल इन वेट एंड इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। आप लोगों को पता है हम लोग कीबोर्ड माउस फ्री देते हैं, तो हमने इसके साथ भी कीबोर्ड माउस गेमिंग वाला फ्री दिया है, कीबोर्ड माउस पूरा कॉम्बो गेमिंग वाला वो भी, एंड वैसे बाय द वे इस पीसी का जो हमने पूरे सेटअप का कॉस्ट 25,000 है विद मॉनिटर, हमने AOC का मॉनिटर भी दिया है, 24 इंच का 1080p 165Hz का मॉनिटर है वो, एंड भाई अब आप देख लो 75,000 में आपको i5 मिल रहा है, 4060 लेटेस्ट जनरेशन मिल रहा है विद DLSS 3.0, DDR5 16GB रैम मिल रही है, DDR5 मदरबोर्ड मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, ब्लूटूथ मिल रहा है, कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री मिल रहा है, मॉनिटर मिल रहा है विद 75,000, भाई और क्या चाहिए, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के लिए भी ये सही है, 650W पावर सप्लाई दी हुई मैंने ब्रॉन्ज, भाई अब आप बताओ 60,000 में आपको इससे बेटर डील कहीं नहीं मिल सकती, आई कैन गारंटी यू दिस। बाकी अगर आपको भी ये पीसी चाहिए एक्चुअली वेट करो, पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लो, मैं बोल तो बहुत रहा हूँ कि इसमें क्या है, परफॉर्मेंस देख लो।
आपको भी चाहिए हो ये पीसी बिल्ड, हमको कॉन्टैक्ट करो, वील हेल्प यू विद एवरीथिंग। यही पीसी डायरेक्ट चाहिए, इसका वीडियो का लिंक भेजना हमको, हम उसका लेटेस्ट प्राइस आपको बता देंगे। मोस्टली सेम ही रहेगा, बट थोड़ा बहुत 500-600 रुपये अगर 1000 रुपये ऊपर नीचे होता है तो आई लेट यू नो। बाकी गाइस अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी बिल्ड के साथ।